तहसील दिवस पर भी मिल रही फरियादियों को तारीख पर तारीख, आला अधिकारियों का आदेश बेअसर। भले ही जनपद के सभी जिम्मेदार विभागों के अधिकारी तहसील दिवस के माध्यम से एक ही छत के नीचे उपस्थित होकर जनता की समस्याओं के निराकरण की बात करते हों, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और ही है। तहसील दिवस के दौरान राजस्व मामलों की भरमार रहती है, महज कुछ गिने चुने मामलों का ही निस्तारण हो पाता है। फरियादी तहसील दिवस पर यह आस लेकर आते हैं कि भले ही ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ रहा हो, लेकिन तहसील दिवस में उनकी फरियाद जरूर सुनी जाएगी। जनपद के आला अधिकारियों द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन फिर वही समस्याएं अगले तहसील दिवस पर सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी रहती हैं। अर्थात ऐसे लेखपाल और कानूनगों की संख्या ज्यादा है जो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं या फरियादियों को बार बार तहसील का चक्कर लगवा रहे हैं। प्रमाण के तौर पर उनके द्वारा किए गए मामलों के निस्तारण की यदि जाँच की जाए तो कड़वा सच सामने आ सकता है। कई मामलों में लीपापोती की गई है। जनपद के आला अधिकारियों को इन पर फीडबैक सिस्टम अवश्य लागू करना चाहिए। आला अधिकारियों द्वारा जमीनी स्तर पर लेखपाल और कानूनगों के मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जमीन विवादों में सुविधा शुल्क के बगैर काम न करने वाले जिम्मेदार सरकारी मुलाजिमों पर जांच एजेंसियों की नजर है। यही नहीं, तहसीलों में दलालों की आवाजाही बढ़ने की खबरें भी जनता के बीच सुर्खियां बटोर रही है। हम इस बात को हवा हवाई नहीं कह रहे हैं। बीते दो वर्षों का अवलोकन किया जाए तो आंकड़े यह बताते हैं कि सुविधा शुल्क के चक्कर में कई राजस्व मुलाजिमों को जेल की हवा खानी पड़ी। बावजूद इसके अब भी यह खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर यह है कि जनपद के कई ऐसे पुराने मामले हैं जिन पर जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि उनका समाधान भी किया। तीनों तहसीलों में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो जनपद के निवासी हैं और उनका कब्जा सरकारी जमीन पर है। तहसील अधिकारी ऐसे कर्मचारियों का डाटा उपलब्ध करवाने से बचते नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं मीडिया इस बात का पता न लगा ले कि कितने सरकारी कर्मचारियों का सरकारी जमीन पर कब्जा है। इतना ही नहीं, बीते तीन साल में जनपद में आवासीय और कृषि पट्टा आवंटन में भी बड़ा खेल हुआ है। इसका भी डाटा उपलब्ध करवाने से अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं तहसीलों में चल रहा यह खेल मीडिया के माध्यम से जनता के सामने ना आ जाए। मामलों का निस्तारण कितनी तेजी से हो रहा है, इस बात को समझने के लिए आइए शनिवार 16 नवंबर को आयोजित तहसील दिवस पर निस्तारित मामलों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तहसील भदोही में 45 प्रार्थना पत्रों में 5, तहसील ज्ञानपुर में 24 में 4 तथा तहसील औराई में 27 में 5 का मौके पर निस्तारण करते हुए शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस तरह जनपद में प्राप्त कुल प्रार्थना पत्रों पर यदि नजर डाली जाए तो जनपद की तीनों तहसीलों में कुल मिलाकर 96 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें महज 14 का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष 82 मामलों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया। 82 मामले जिनका निस्तारण मौके पर नहीं हो पाया, इनमें से ज्यादातर ऐसे मामले हैं जो पिछले तहसील दिवस पर भी सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़े थे और अगले तहसील दिवस पर भी संभवतः यही आलम होगा। भले ही जनपद के जिलाधिकारी द्वारा खुद मौके पर जाकर मामलों के निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही प्रत्येक तहसील दिवस पर फरियादियों की लगातार बढ़ती भीड़ के रूप में सीधे तौर पर देखी जा सकती है। तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, SDM भान सिंह, CO भदोही प्रभात राय, तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह, SDM अरुण गिरी, CO चमन सिंह चावड़ा, तहसील औराई में उप जिलाधिकारी बरखा सिंह एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अभी तक कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 4 आवेदन अभी तत्काल में निस्तारित किए गए हैं। अधिकांश मामले इसमें राजस्व विभाग के ही हैं जो जमीनी विवाद से संबंधित है। नहीं, निस्तारण के लिए कर्मचारी अधिकारी जाते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते, इसलिए उनको दोबारा आना पड़ता है। जो लोग संतुष्ट नहीं हो रहे तो उनके लिए क्या रास्ता है? कोशिश करते हैं जो चीजें रिकॉर्ड में है उसके अकॉर्डिंग
अधिकारी कर्मचारी करने के लिए विवश होता है, कुछ अपने तरीके से नया कुछ कर नहीं सकता है। जो चीज़ें भौतिक रूप से नक्शे में हैं और हमारे रिकॉर्ड में है, उसी के आधार से उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें संतुष्ट कोई नहीं हो रहा है, बलपूर्वक कब्जा चाहता है तो हम नहीं करवा सकते हैं ना। के लिए यही संदेश है कि मतलब वाजिब सिखाते थे, अनावश्यक रूप से अनधिकृत कब्जे में है और चाह रहे हैं कि हम उस पर बने रहें या किसी का अधिकार छीन रहे हैं, भाई भाई का विवाद है, कब्जा करके बैठे हुए नहीं दे रहे हैं, तो गलत चीज़ें हैं। उनको हतोत्साहित किया जाता है कि जिसका जो अधिकार हो दे दिया जाए, नहीं तो वही लोग पक्की पैमाइश के आते हैं धारा 24 में, धारा 116 बंटवारे पर वही लोग आते हैं। यदि आपसी विवाद वहाँ पर नहीं निस्तारित करेंगे तो फिर यहाँ पर शिकायतें बढ़ती हैं, तो यही कोशिश की जाती है कि इस तरह के विवाद हो तो अपनी अपनी सहमति से निस्तारित करवा लीजिए। एक शिकायत पत्र आपके यहाँ आज के तहसील दिवस में आया है सर, जो बताया जा रहा है कि जाति बदल के पलटा करा लिया गया था। यदि ऐसा कुछ होगा संज्ञान में आता है तो जांच पड़ताल करने के बाद उसमें कार्रवाई होगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।